वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सान्या ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग एक मेरे खास सब्सक्राइबर के लिए, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया था और उन्होंने कमेंट किया कि उन्हें ये रेसिपी जाननी है, तो मैं आज वो रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा कि मैं कौन सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और ये वीडियो खास उसी सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने कमेंट किया था। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे उन्हें हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक आलू, दो प्याज और तीन टमाटर और मिर्चा लहसुन, और यहाँ पे मैंने अदरक लिया है। अब मैं इसको अच्छे से छील लूँगी और प्याज को भी काट लूँगी। रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे काबली चना, और मैंने सारी सब्जियाँ कट कर ली अच्छे से। अब मैं कुकर में डालूंगी सरसों तेल थोड़ा सा। तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें काबली चना डाल दिया है। अब मैं इसको दो या तीन मिनट फ्राई कर लूंगी अच्छे से, हल्का ब्राउन होने तक। बस जब तक यहाँ पे काबली चना हल्का मैं भून रही हूँ, तब तक उसके बगल में मैंने रख दिया पानी गर्म होने के लिए। काबली चना को हल्का भूनने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। निकालने के बाद मैं कुकर में फिर से थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पचफोरन। फोरन लाल होने के बाद कुकर में डाल दूंगी प्याज। 4-5 मिनट तक भूनना है, जब तक कि हल्का ब्राउन ना हो जाए ये। प्याज हल्का ब्राउन हो जाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी अदरक, मिर्चा और लहसुन का पेस्ट। अभी इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। ये अच्छी तरह से मिल चुके हैं और हल्का ब्राउन कलर भी हो चुका है दोनों का। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें हल्दी, फिर मैं इसमें डालूंगी छोला मसाला, फिर थोड़ा सा गरम मसाला, फिर इसमें डालूंगी मैं जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला दूंगी मैं। 2 मिनट तक इसी तरह भूजूंगी मैं इसी में। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और इसको मैं ढक दूंगी मिलाने के बाद। जब तक टमाटर अच्छे से ना गल जाए तब तक हम लोग इसमें आलू नहीं डालेंगे। टमाटर अब गल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। आलू को भी मैंने भूज लिया इसमें 5 मिनट तक। अब मैं इसमें डाल दूंगी काबली चना जो मैंने फ्राई करके रखा है। अभी अच्छे से वो मैंने मिला दिया है काबली चना और आलू को। अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम पानी। और आप लोग कुछ भी बनाया करिए सब्जी तो गरम पानी ही यूज किया करिए, इससे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और वैसे तो मैं बना रही हूँ छोला। अब मैंने कुकर को बंद कर दिया है, लगभग 10 सीटी तक इसको पकने देंगे। जब 10 सीटी दे देगा फिर इसको बंद करके हम लोग चेक कर लेंगे। अगर काबली चना हल्का कच्चा सा लगेगा तो हम लोग फिर से इसमें सीटी दिलवा देंगे, वैसे तो 10 सीटी में हो ही जाएगा। A few inches later. काबली चना का छोला बनके तैयार है। अब मैं इसे डेकोरेट करूंगी। अब हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम लोग इसके ऊपर सेव मिक्सचर डाल देंगे थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा दही डाल दूंगी। अब थोड़ा सा केचप।
प्याज की रेसिपी। तो आप लोगों को कैसा लगा है मेरा रेसिपी वाला ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm always lost. There's nowhere else to go.